बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। आशाएं 2020 सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम आगरा कॉलेज में सभी फैकल्टीज के छात्रों को मिला करके किया जा रहा है। मैंने अभी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और बहुत अच्छी तैयारी से बच्चों ने बहुत ही जो सृजनात्मक क्षमता है, साहित्य के प्रति जो उनकी अभिरुचि है, संस्कृति के प्रति जो अभिरुचि है, उसका मंचन वो कर रही हैं यहाँ पे। और इसमें इनके पुरस्कृत करने का भी प्रोविज़न है। मेरा ये कहना है कि व्यक्तित्व के विकास की दो बातें होती हैं, एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है, एक बाह्य व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का। और दोनों के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये मंचन और इस तरह से अपने को एक्सपोज करके और पब्लिकली अपनी जो मेधा है, जो अंतर्निहित उसकी जो मेधा है, उसको प्रदर्शित करके और उसको एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रदर्शित करके बच्चे यहाँ पे जब उस चीज़ को करेंगे तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का विकास होगा और अपने आने वाले सामाजिक जीवन में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अपने आने वाले जो उनका जो जीवन शुरू हो रहा है, जो गृहस्थ जीवन शुरू होगा एजुकेशन के बाद, उसमें भी सोसाइटी को अच्छे मानव मूल्यों के सृजन करने में वो चीज़ें सहायक होंगी। देखिए, महाविद्यालय प्रतिवर्ष जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है सप्ताह भर का, उसी श्रृंखला में आज ये नृत्य का कार्यक्रम है जिसमें तमाम प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे पुरस्कार भी पाएंगे, कुछ पुरस्कार नहीं भी पाएंगे, सतत प्रक्रिया है। आयोजनों करने का मूल उद्देश्य यह है कि जो एकेडमिक लाइफ से थोड़ा सा हटकर अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, जो बच्चों को मौका मिलता है मंच पर आने का, मंच पर झिझक हटने का मौका मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना यह है कि इससे पर्सनैलिटी में बड़ा निखार भी आता है। तो ये हर साल होने वाली प्रक्रिया है और अब ये छात्र जीवन का, विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग बन गया है, कॉलेज का अभिन्न अंग बन गया है कि इस तरह की तमाम प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजन होते रहे। देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्र निर्माण जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि जो धरोहर उनको सौंपी गई है, जो विरासत उनको सौंपी गई है, उसको सहेज के रखें, संजो के रखें, संभाल के रखें। और उसके लिए जो जीवन मूल्य, मानव मूल्य हैं, उनमें संप्रेषण बहुत जरूरी है, उनमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और इन आयोजनों से ये सब चीज़ें उनको निरंतर मिलती हैं, प्रेरणा मिलती है।